जी, ऑन कर दिए रिकॉर्डिंग. लार और लेर लगाने के लिए आखिरी इंग्लू को देखा जाएगा. किताब में आखिरी इंग्लू आ है तो लार लगेगा. खज में आखिरी इंग्लू अ है, खज खज लार. खुतु उ खलन है, खुतु लार खुतु लार. थेले विज योन. पहले वाले इंग्लू इंजे हैं, आखिरी इंग्लू खलन है. टेलीविजियन लार. पेंजेरे पेंजेरे अमीर साद तीन के नाम के साथ कोपे क्यों इस्तेमाल किया गया फिर? सोचो इसको याद करने का आसान तरीका नहीं है. असल में ये जितने भी लार और लेर लगाए जाते हैं, ये आसानी से बोले जाने के लिए लगाए जाते हैं. शुरू में आपको थोड़ी सी मुश्किल महसूस होगी कि पेंजरे लार कहना है या लेर कहना है, लेकिन बाद में जब जबान पर आ जाता है तो असल में ये आसानी ही के लिए बनाया गया है. पेंजरे लेर. पेंजरे लेर ये एक एक मिसाल के तौर पे मैं चूंकि बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूँ तो मेरे लिए इसको बोलने में सोचने की जरूरत इसलिए पेश नहीं आती कि जबान का जो कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है फेंजेरे कहने के लिए, फेंजेरे, तो उसके साथ ही लेर ऑटोमेटिकली मुंह से निकलेगा. फेंजेरे लेर. खेदी खेदी वो पहले ही जबान जो है वो इंजे मोड में गई हुई है. खेदी खेदी लेर. इंजे और खलन इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आखिरी इंग्लू जो होगा, आखिरी जो सोती हर्फ होगा, ये जो आवाज निकाल रहा होगा उसी से मुनासिबत में लार और लेर लगेगा. खे खे पहले ही जबान पतली है. खे गांव को कहते हैं. खे खे लेर. खे लेर गांव. मजीद एक से ज्यादा गांव. इजिम इजिम ये अंगूर को कहते हैं. तो जबान पहले ही पतले मोड में है. इज्यूम लेर. इज्यूम लेर खुद ही आपको आप इज्यूम के साथ लार कहना बहुत मुश्किल महसूस होगा. इज्यूम लार. इज्यूम लार उसमें आपको जबान को एकदम से नीचे ड्रॉप करना पड़ता है. छोजुक और बेबेक में क्या फर्क है? बेबेक बिल्कुल छोटे से बच्चे को कहते हैं और छोजुक थोड़ा सा बड़ा जो होता है. छोजुक आमतौर से अपने से छोटे उम्र वाले के लिए छोजुक इस्तेमाल किया जाता है. मिसाल के तौर पे अगर मेरी उम्र 30 साल है तो मैं 15 साल वाले को, 20 साल वाले को छोजुक कह सकता हूँ कि बेटे इधर आओ बात सुनो. तो वैसे ओलुम भी इस्तेमाल किया जाता है मेरे बेटे के तौर पे, लेकिन छोजुक जो है वो रिलेटिव टर्म है. बेबिक का मतलब है कि बिल्कुल ही नौमौलूद बच्चा, छोटा बच्चा, हाथ में उठाए जाने वाला बेबी इस तरह होता है. बेबैक. लार और लेर के साथ चंद सवालात. बुन लार ने या बुन लार ने दिर. यहां देखिए कि एक दफा बू के साथ लार लग गया तो ने के साथ लार नहीं लगेगा. बुन लार ने ये क्या है? बुन लार बारदाक ये गिलास है. बुन लार बारदाक. बू के साथ लार लग चुका है इसलिए बारदाक के साथ लार नहीं लगाया जा रहा. अगर लगाएंगे तो है के लिए थिर लगा सकते हैं. बुनलार बारदाक थिर ये गिलास है, लेकिन थिर हटाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, लार नहीं लग सकता. बुनलार बारदाक लार कहना गलत होगा. अगर बारदाक लार कहेंगे तो बुनलार हटा देंगे. सिर्फ बारदाक लार का मतलब है गिलास. जैसे कोई पूछे कि ये क्या है और आप कह दें कि गिलास, या ये क्या है, ये गिलास है. गिलास उर्दू में या इंग्लिश में भी प्लूरल किया जाता है. वॉट आर दीज? दीज आर ग्लासेस. दीज के जवाब में दीज आर ग्लास कहना गलत होगा, लेकिन यहाँ पर ये इख्तलाफ करती है जबान उर्दू या अंग्रेजी या अरबी के साथ. बुनलार के बाद जो आएगा वो वाहिद आएगा. बुनलार खिमदिर ये कौन है? बुनलार खिमलर पूछना गलत होगा. बुनलार खिमदिर ये कौन है? बुनलार ओरेंजे ये स्टूडेंट है. बुनलार ओरेंजे दिर ये स्टूडेंट है.
या सिर्फ एयर इंजीनियर स्टूडेंट्स, इसके साथ बू लग सकता है बारदा क्लार के साथ, बू बारदा क्लार लग सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, यानी यहाँ पर इतनी बेसिक उसके अंदर बू बारदा क्लार कहना इस जगह पर गलत होगा, इस सवाल के जवाब में बुन लार ने के जवाब में बू बारदा क्लार कहना गलत होगा। ये बू बारदा क्लार उस केस में कहा जा सकता है कि अगर एक डब्बा है जिसके अंदर बहुत सारे गिलास हैं मौजूद और आप कहना चाहते हैं कि इन गिलासों को उठाएं और उधर रख दें, तो आप ये कह सकते हैं कि बू बारदा क्लार आल और आयो खोए, ये जो चीजें वीजें पड़ी हुई हैं इन सबको उठाओ। यानी वो जो ग्रामर है वो असल में स्ट्रीट ग्रामर के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है कि बू के साथ प्लूरल लगाने वाला, बू शैले रयाल, ये चीजें जो भी पड़ी हुई हैं उठाओ यहाँ से, ये एक गिना के तौर पे कि एक आदमी मुस्तगनी है, वो उसको कोई टेंशन नहीं है कि क्या चीजें पड़ी हुई हैं, बस इनको उठाओ यहाँ से और मुझे नहीं चाहिए, वो ऐसे कहने की केस में बू के साथ लार इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बू के साथ लार इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये नीचे चंद चीजें दी गई हैं और इनके साथ लार और लेर जो है वो लगाने हैं। इसको होमवर्क के तौर पे आप घर पे ट्राई कीजिए, ये बहुत आसान है, इसमें से कोई भी जो है वो इस्तेसना नहीं है। अलबत्ता इस चैप्टर के आखिर में चंद इस्तेसना भी दिए हुए हैं। यहाँ पर ये जो है ये मुस्तस्ना है, जिस मिसाल के तौर पे साथ के लिए लार नहीं लगता, हालांकि इसके अंदर आ इस्तेमाल किया गया, साथ लार नहीं होता, साथ लेर, रोल के साथ लार नहीं लगता, रोल लार नहीं होता, रोल लेर, रोल लेर। मेश गुल, मेश गुल, मेश गुल में ऊ लगा हुआ है जिसके बाद लार लगना चाहिए था, मेश गुल लेर, मेश गुल लेर, इसके साथ लेर लगता है। ये चंद इस्तेसना है, इनके इस्तेसना होने की वजह भी इनके जो अहले जबान है वो ये कहते हैं कि इन लफ्जों के साथ भी लार बोलने में ज्यादा मुश्किल होती है, हयाल लेर कहना ज्यादा आसान है हयाल लार कहने की निस्बत, इस वजह से हमने उसको इस्तेसना कर दिया। वगरना अगर आप गौर से यानी इसको देखना चाहें तो शायद आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क महसूस ना हो, आइडियल लेर, आइडियल लेर। अलबत्ता इनको इसी तरह से रटा लगा लेने के अलावा और कोई हल है नहीं हमारे पास, इन अल्फाज के अलावा बाकी अल्फाज के अंदर, बाकी जितने भी अल्फाज हैं उनके अंदर ये वाला कानून ये चलेगा कि आखिरी उनलू अगर खलन है तो लार लगेगा, इंजे है तो लेर लगेगा। वक्त जो है वो मुकर्रर वक्त से ऊपर हो चुका है, अगली क्लास तक के लिए इसको देईल और हायर का तलफ्फुज़ इन अल्फाज को होमवर्क के तौर पे कर लें। देगिल, असल में अगर आप जिन भी अल्फाज के अंदर यूमुशक गे आता है, जी इन वर्ड्स के अलावा कोई और वर्ड नहीं है, गैन जहां पर भी आता है, यूमुशक गे जहां पर भी इस्तेमाल हो रहा है, कोशिश ये करें कि सबसे पहले उसको इस्तेमाल करके लफ्ज को कहें और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही से वो बीच में से उसको अगर आप तेज तेज दोहराएंगे तो खुद ब खुद वो उस लफ्ज के दरमियान से वो गैन गायब हो जाएगा। जैसे देगिल, देगिल अगर आप कहेंगे दे, अगर आप इसमें से गैन को गायब कर देंगे तो ये दईल हो जाएगा, दईल, जो कि इस वक्त के मुताबिक तुर्कचे का सही तलफ्फुज़ है, दईल, दईल ये के साथ बोला जा सकता है, लेकिन असल में यहाँ पर गैन मौजूद है तो ये दईल है, दईल। इसी तरह हायर, हायर, खैर जिस तरह से है खैर, हायर, हायर, हायर का तलफ्फुज़ जो है वो अपने हुरूफ के साथ करना बहुत आसान है, हे आ हा ये हाई, हायर रे, हायर, हायर, ये खैर जिस तरह से कहा जाता है अरबी के अंदर, खैर जिस तरह से कहा जाता है उसमें से खे की जगह हे लगा दें तो हायर हो जाएगा, हायर, हायर। तशक्कुर रिजायत।